जब अपनों से ही धोखा मिलता है तो कलेजा फट उठता है, और जब आप किस पे विश्वास किया जाए। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। इस खास सेशन में हम बात करेंगे जीतनराम मांझी। एक समय में जीतनराम मांझी सीएम नीतीश के फोटो अपने पॉकेट में रखा करते थे, ये खुद जीतनराम मांझी ने बताया, और उनका नाम लेते हुए जीतनराम मांझी भावुक हो गए। उनका साफ तौर से कहना था, कदम से कदम मिलाकर सीएम नीतीश चला करते थे, हर एक बातें हमें बताया करते थे। उस दौर की कहानी जीतनराम मांझी आज दोहरा रहे और आंखों में आंसू, कई कारण है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, जीतनराम मांझी पासी समाज के एक बड़ी बैठक बुलाए थे। उस बैठक में जीतनराम मांझी समेत कई मंत्री शिरकत किए थे। बात हो रही थी गरीब अति पिछड़ों की। बिहार में शराबबंदी है, नीरा चल रही है, ताड़ी बैन है, और उसी को लेकर बिहार में किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, तमाम बातों से जीतनराम मांझी अवगत हो रहे थे, और वो बात सुनते सुनते भावुक भी हो गए। जीतनराम मांझी फीडबैक ले रहे थे शराबबंदी और नीरा को लेकर, गरीब पिछड़ों अति पिछड़ों को जगाने के लिए जीतनराम मांझी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, और यही कारण है कि जीतनराम मांझी सीएम नीतीश से भी दो मंत्री पद का डिमांड भी किए थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने साफ तौर से कहा था, जो पोस्ट बाप को मिला था वही पोस्ट बेटा को मिला। हालांकि संतोष सुमन ने कहा, जिम्मेवारी कोई भी हो उसे निभाना है, एनडीए के साथ हमें। लेकिन जीतनराम मांझी का वो दर्द और सीएम नीतीश का वह बगावत, आपको याद होगा विधानसभा सत्र चल रही थी जहां सीएम नीतीश कुमार मांझी को एक गत का नहीं छोड़ा था। सीएम नीतीश ने साफ तौर से कहा था, मेरी मूर्खता है कि तुम सीएम बन गए, तुम्हें कौन जानता था, तुम तराक पर आ गए थे। मांझी सदन में रोते रहे लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं। और यही बात सामने जब आती है, पासी समाज की बैठक होती है, सीएम मांझी वहां शिरकत करते हैं, सभी जन जन की आवाज सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे कि आखिर समस्याओं का सामना किस तरह किया जाए, और जो बातें निकलकर सामने आ रही थी उसे ठीक कैसे किया जाए। वो तमाम तस्वीरों से अवगत हो रहे थे और तैयारियों में जुट चुके हैं। और उसी दरमियान जब मांझी ने अपना कहानी सुनाया तो वो सभी सुनकर हैरान भी रह गए। जीतनराम मांझी का साफ तौर से कहना था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले करते थे, हर एक बातें मुझे बताया करते थे, और तमाम तरह की बातें हमसे शेयर करते थे। उनका नाम लेते ही जीतनराम मांझी होते हैं भावुक। वो साफ तौर से कहते हैं, जब मैं बाहर निकलता था तो नीतीश बाबू का फोटो मेरे दाहिने पॉकेट में रहा करता था। अब इससे साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जीतनराम मांझी का दर्द हमेशा दिखते रहता है, भला वो एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ है, मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पर कि जीतनराम मांझी खेला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंदर खाने की आपको बात बताने जा रही है न्यूज पीआर, फ्लोर टेस्ट के दिन भी एनडीए बहुमत में आएगी और सरकार चलेगी। न्यूज पीआर आपको अंदर की बात बता रही है, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके अनुसार बता रही है, फ्लोर टेस्ट में जीत होगी एनडीए की, सरकार चलेगी। लेकिन जीतनराम मांझी लगातार सवाल उठाते हैं अति पिछड़ों गुरुओं का, और जीतनराम मांझी सीएम नीतीश कुमार का उस दौर को नाम लेते हुए भावुक होते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो उनसे इतनी दूरी बन गई, वो मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, तमाम तरह की बातें। और समय समय पर जीतनराम मांझी का दर्द भी छलकता हुआ आया है, तमाम तस्वीरें भी ऐसी हैं कि जीतनराम मांझी दर्द में रहते हैं लेकिन कुछ भी बयान नहीं कर पाते हैं, और इस बार किंग मेकर के रूप में कहा जाए तो जीतनराम मांझी ही है कि खेला को पलट सकते हैं। न्यूज पेयर के स्पेशल स्टोरी में इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।